और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा। नेता विपक्ष बने राहुल गांधी लगातार भाजपा पे हमला कर रहे हैं। इसको लेकर लोकसभा में हर दिन गर्मा गर्मी भी चल रही है। राहुल गांधी का स्टेटमेंट जो खूब वायरल हो रहा है और एक बार फिर से उन्हें एंटी हिंदू के घेरे में ले रहे हैं, उसे आपको जरूर सुनना चाहिए और समझना चाहिए। राहुल गांधी ने अपने भाषण में जीसस और गुरु नानक जी का उदाहरण देकर लोगों को ये समझाने की कोशिश की कि कहीं भी हिंसा से काम नहीं करना चाहिए और धर्म का नाम लेकर लोगों को बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए। अब इस स्टेटमेंट से आपको साफ साफ पता चल रहा होगा कि ये इशारा किसकी ओर जा रहा था, पर हमेशा की तरह बीजेपी वालों ने इसे ये कहकर लोगों को भ्रमित करना चाहा है कि राहुल गांधी हिंदू समाज को हिंसक बोल रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत बात है। मोदी जी ने भी इस पे खड़े होकर राहुल गांधी का विरोध कर डाला और कहा कि ये हिंदू का अपमान है। आप खुद ही पूरी वीडियो को देखिए और समझिए कि संसद में क्या कुछ हुआ। अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की, डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. Yes, I'm inside the Speaker's office. हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए। अभय मुद्रा आप बात समझिए। ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर जाके दिल में लगा है, दिल में जाके तीर लगा है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। लेकिन चुप हो गए, देखिए स्पीकर सर चुप हो गए सब। माननीय आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, किसी की भावनाओं को टेस्ट नहीं पहुंचे। सर मुझे चर्चा में ध्यान रखना चाहिए। ये जो ये विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। प्राइम मिनिस्टर